सीएम अशोक गहलोत के करीबी और कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया के घर पर ईडी की रेड को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने खोड़निया पर जमकर आरोप लगाए, लेकिन अब खोड़निया ने किरोड़ी लाल पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हुए उन पर झूठे आरोप लगाए हैं, जबकि ईडी की कार्रवाई में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। वे किरोड़ी लाल मीणा पर 500 करोड़ की मानहानि का केस करेंगे। ईडी की कार्रवाई राजनीतिक दबाव और कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के चलते की गई है। इस दौरान खोड़निया ने कहा, मेरे और मेरे समधी अशोक जैन के घर पर शुक्रवार को ईडी की कार्रवाई हुई, लेकिन इस कार्रवाई में ईडी को मेरे और मेरे समधी के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। ये कार्रवाई केवल राजनीतिक दबाव के चलते की गई है। किरोड़ी लाल ने गलत जगह पर हाथ डाला है। वे अब तक ब्लैकमेलिंग और डराने की राजनीति करते आए हैं, लेकिन उनकी ब्लैकमेलिंग और धमकी मेरे यहाँ नहीं चलेगी। मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। खोड़निया ने किरोड़ी लाल मीणा को जमकर निशाना बनाते हुए कहा, उनसे तो राजस्थान के कई मीणा समाज के अधिकारी भी परेशान हैं। किरोड़ी लाल धमकी देकर ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। जयपुर और दूसरे लोग उनसे डरते होंगे, लेकिन मैं बागड़ की धरती पर रहने वाला हूँ, मैं उनसे नहीं डरता। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा सुबह ईडी में जाते हैं और कागज दे आते हैं, शाम तक उनका क्या होता है, किस तरह की बातें होती हैं, कोई पता नहीं। खोड़निया ने आरोप लगाया, उनका पेपर लीक प्रकरण और बाबूलाल कटरा की नियुक्ति से कोई लिंक नहीं है। ईडी को जांच के दौरान मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। ईडी ने जो सवाल मुझसे पूछे थे, मैंने उनका जवाब दे दिया है। ईडी की कार्रवाई राजनीतिक दबाव के चलते और कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।